अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईद की छुट्टियाँ चल रही है, आज और कल का दिन जो है छुट्टियाँ होंगी, उसके बाद मंडियों की रौनकें बहाल हो जाएंगी। तो किसान इसी सोच में है कि गंदम का जो रेट है वो क्या मिलने वाला छुट्टियों के बाद, इसके अलावा मुंजी की मार्केट में कोई फ़र्क पड़ेगा, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत तफसील से बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि गल्ला मंडी रेट्स और फसलों के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन होती है वो बार वक्त आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गंदम का जो बार दाने की तकसीम है उसके बारे में काफ़ी ज़िम्मेदारों को अभी तक नहीं इन्फॉर्मेशन। तो 13 अप्रैल से जो गंदम का बार दाना उसकी तकसीम शुरू हो रही है, तो उसके लिए दरख्वास्तें जो हैं आप वो जमा 13 अप्रैल से करवा सकते हैं, क्योंकि जिस किसान के पास, जिस ज़िम्मेदार के पास बार दाना होगा उसको कुछ रेट अच्छा मिलने के चांसेज, अदरवाइज जो मार्केट क्रैश हुई है, फिलहाल मंदी चल रही है और उम्मीद है कि जब हुकूमत खरीदारी शुरू करेगी मार्केट में थोड़ी बहुत बेहतरी के चांसेस बन जाए। अगर आज रेट की बात करें, जो फिलहाल गंदम का रेट चल रहा है, तो 3000 रुपए से लेकर 3350 रुपए तक मंडियों में रेट चल रहा है। तो मुंजी के वाले से अगर बात करें तो मुंजी का जो रेट चल रहा है 1509 और 1692 का जो रेट है वो 5000 से लेकर 5200 रुपए इस तरह। इसके अलावा कायनात 11 की और 17-18 की अगर बात करें तो उसका टॉप रेट जो है वो 5000 से लेकर 5350 रुपए तक चल रहा है। तो ये रेट चल रहे हैं। इसके अलावा जो सुपर कर्नल मुंजी, उसका रेट 5000 से लेकर 5100 रुपए तक चल रहा है। मुंजी की मार्केट उम्मीद है कि आने वाला जो है अगले 10-15 दिन इसमें मार्केट में थोड़ी बहुत बेहतरी के चांस बन जाए। उम्मीद यही की जा सकती है, थोड़ी बहुत बेहतरी हो तो आप निकाल दें मार्केट, क्योंकि लंबे कोई जंप नज़र नहीं आ रहे मुंजी मार्केट के वाले से। तो ये थी आज की अपडेट जो गंदम और मुंजी के बारे में। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, हाजिर होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।